नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। क्रिकेट फैंस के लिए आईपीएल मैच नंबर 12 एक नया सौगात लेकर आया। इस मैच में न सिर्फ केकेआर और राजस्थान के बीच एक शानदार मुकाबला देखने को मिला, बल्कि फैंस को किंग खान भी देखने को मिला। जी हां, शाहरुख खान मैच का आनंद उठाते हुए नजर आए। केकेआर के फैंस काफ़ी खुश हुए होंगे, क्योंकि शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। आईपीएल मैच के दौरान किंग खान अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की हौसला अफजाई करने के लिए दुबई पहुंच गए। यह पहला मौका है जब आईपीएल 2020 में किंग खान की झलक यहां देखने को मिली। इससे पहले 3 मुकाबलों में शाहरुख खान नदारद रहे थे। आपको बता दें, शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक हैं। मैच के दौरान शाहरुख खान के साथ उनके बेटे आर्यन खान भी नजर आए। शाहरुख खान कुछ तस्वीरों में मास्क पहने थे, जबकि कुछ तस्वीरों में बिना मास्क के देखे गए। केकेआर फैंस के लिए ये किसी ट्रीट से कम तो नहीं था। गौर हो, आईपीएल के 13वें सीजन में धमाकेदार खेल दिखाने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम का सामना केकेआर से हो रहा है। राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 174 रन बनाए। साथ ही राजस्थान को जीत के लिए 175 रनों का टारगेट दिया। केकेआर की तरफ से शुभमन गिल ने 47 रनों की पारी खेली, जबकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 18 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर लिए। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।